नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में जो स्टडी करेंगे हम, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि बिना पेन पेपर आप ना तो पेन उठाइएगा ना ही पेपर उठाइएगा और आप बड़े आसानी से उनके स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ मेथड्स भी बताऊंगा, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चलिए आरंभ करते हैं। तो कुछ स्पेशल मेथड मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं किस तरीके से वो क्या मेथड्स हैं। सबसे पहली मेथड फर्स्ट जो है वो उसको सिंपली मैं मल्टीप्लिकेशन की मेथड बोलता हूँ। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सोचेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ये मेथड तो बड़ी ब्रॉड या फिर हम बोल सकते हैं कि काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड है। तो देखिए, ये मैंने आप लोगों को जब मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक बता रहा था वहां पर भी बड़े आसानी से मैंने एक मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक आप लोगों को बताई थी। वही मल्टीप्लीकेशन की टेक्निक यूज करके हम उनके क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जब ये वाली मेथड की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये बहुत ही आसानी से आप इसके स्क्वायर रूट्स निकाल सकते हैं। कहां से कहां तक लेकर, तो एक से लेकर सौ तक के, तो एक से लेकर सौ तक के सारे स्क्वायर रूट आप बड़े आसानी से इसके निकाल सकते हो। देखिए, इवनली मैक्सिमम स्टूडेंट को 25 तक तो स्क्वायर याद ही रखने चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखते हैं वो मेथड क्या होगी। जैसे कि अगर मुझे एक स्क्वायर रूट निकालना है जैसे 32 का, तो 32 का अगर मुझे स्क्वायर निकालना है तो सिंपल हम इसका एक मल्टीप्लीकेशन टेक्निक जानते हैं। और वो क्या जानते हैं कि 32 का आप 32 में मल्टीप्लीकेशन कीजिए। अब इसके मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक मैं पहले भी बता चुका हूँ, 2 का 2 में आप इनटू कीजिए। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 2 2 2 2 4, फिर इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ और इस नंबर का मल्टीप्लीकेशन इस तरफ, यानी 3 2 6, 3 2 6, दोनों बार में आप लोगों के पास 6 6 आएगा, दोनों को आप ऐड कर दो। जैसे आप ऐड कर दोगे तो आपके पास नंबर आएगा 12, तो 12 का आप लोगों को याद रखना है कि 2 लेना है और कैरी आप लोगों के पास यहाँ पर इस बार कितना बचा है 1। अब लास्टली आप दोनों को क्या करना है, इन दोनों नंबर को फाइनली हम लोगों को इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 3 9 9, और यहाँ पर जो अपने पास कैरी आई थी उस कैरी को अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस तरीके से 32 का स्क्वायर हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं और वो कितना आया, 1024। देखिए, थोड़ा सा आप इसमें इसको अगर आप लोग इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो मेंटली ही आप इसके कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए थोड़ा सा और मैं आप लोगों को इजी करने के लिए थोड़े से इसके और एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मुझे 46 का क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, तो सीधी सी बात है 46 में 46 का मल्टीप्लीकेशन। चलिए किस तरीके से करते हैं, जरा फास्टली हम करते हैं। तो 6 में 6 का सबसे पहले इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 6 36 आएगा। कैरी आप लोगों को याद रखना है कि आपके पास कितना आया 3, एक एक ही नंबर आप लोगों को लेते जाना है। ठीक है, अब जैसे 36 आया तो 36 का 6 लिखा, कैरी हमारे पास 3 आया। अब यहाँ पर 6 4 कितना हो जाता है, तो 6 4 24, 6 4 24, 24 24 को ऐड करोगे तो 48, और 48 प्लस 3 आपके पास 51 बचेगा, यहाँ पर 1। कैरी आप लोगों के पास कितना आ गया, 5। 4 4 16 16, और 5 आपके पास कितना आ जाएगा, 21। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बड़े आसानी से और बड़े फास्ट मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका मल्टीप्लीकेशन निकाल सकते हैं। अगर देखिए, मैं आप लोगों को समझाते भी जा रहा हूं तब भी मुझे इतना समय लग रहा है, अगर इसके अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप लोग नंबर को देखते से ही मेंटली भी इसका कैलकुलेशन कर सकते हो और विद इन 2 से 3 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हो। चलिए कुछ और छोटी छोटी सी मेथड हम देख लेते हैं। जैसे 62 का 62 में अगर हम 62 का, सीधी सी बात है, 62 का स्क्वायर फाइंड करना चाह रहे हैं, 62 का स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे, वही मेथड यूज करते हैं हम, 2 2 4। अब 6 2 12, 6 2 12, 12 12 कितना होता है 14, सॉरी 12 12 होता है 24, 24 का 4 कैरी आ जाएगा 2, 6 6 36, और 2 कितना आ जाएगा 38। तो ये आप लोगों के पास किसका स्क्वायर आ गया, 62 का स्क्वायर आ गया। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि हम बड़े आसानी से 62 का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मेथड में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब 3 डिजिट नंबर आ जाता है तब वहां पर, देखिए करने को तो इस मेथड से भी किया जा सकता है लेकिन थोड़ी सी ये मेथड लंबी हो जाती है, थोड़ी सी बड़ी मेथड हो जाती है, मेंटली कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक के नंबर के बीच में किसी कभी भी स्क्वायर निकालने की अगर जरूरत पड़ती है तब आप इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा। चलिए इस मेथड के एक लास्ट एग्जांपल और मैं आप लोगों के लिए ले लेता हूं। जैसे हम कुछ अब नंबर लेते हैं, जैसे हमने नंबर ले लिया 87,
अब 87 का हम लोगों को क्या निकालना है, स्क्वायर, यानी 87 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, या 7 7 का कितना होगा, 49। कैरी आपके पास आया 4। अब यहां पर इन दोनों नंबर के आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब चूंकि स्क्वायर है निकालने हैं तो दोनों नंबर एक जैसे ही आएंगे, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 56 और 56, ठीक है, 7 एट जा 56 और 7 एट जा 56। जब आप इन दोनों नंबर को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 112। ओके, आपके पास नंबर कितना आएगा, 56 56 112। अब आपको लेना है इसमें से नंबर 2, अच्छा 2, और यहां पर हमारे पास जो कैरी आया था उस कैरी को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 116। तो अब आप लोगों के लिए नंबर यहां पर मैं लिखता हूं 6, और कैरी इस बार कितना पहुंचेगा हमारे पास, 11। अब 8 8 64 64 में अगर हम 11 ऐड कर देते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 75। तो ये आप लोगों के पास स्क्वायर आया किसका, 87 का। तो देखिए बड़े से बड़े नंबर का भी हम इससे, मतलब दो डिजिट के बड़े से बड़े नंबर का भी हम स्क्वायर बड़े आसानी से, बड़े फास्ट तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों को कुछ बढ़िया ट्रिक्स बताई, कुछ बढ़िया सिंपली मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक है। यही मेथड आप मल्टीप्लीकेशन में भी अप्लाई कीजिए। देखिए मेथड तो होती है बहुत सारी, लेकिन मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जिस भी मेथड से मल्टीप्लीकेशन करना या जिस भी मेथड से स्क्वायर निकालना सीखते हो, आप उसी एक मेथड के ऊपर ऊपर या उसी को पॉलिश कीजिए, उसी को हमेशा एक ही मेथड को लगाते रहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली मेथड। तो अगली मेथड को थोड़ा सा, अगले मेथड के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल लेता हूं। देखिए समझते जाइएगा, अगले मेथड भी काफी अच्छी मेथड है, मुझे काफी पसंद है ये मेथड। जैसे अब मुझे एक स्क्वायर निकालना है कि 49 का स्क्वायर। अब 49 का अगर स्क्वायर निकालना है तब आपको किस तरीके से इसको करना होगा, ध्यान से देखते जाइएगा। आप नंबर लिख लीजिएगा, अब जैसे 49 है तो इसमें से मैंने क्या किया, 49 को लिखा। 49 के आसपास आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसका स्क्वायर आप लोगों को आसानी से पता हो। या सीधी सी बात है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो आप ऐसा नंबर 49 के आसपास लीजिए जिसमें जीरो आता हो। तो जैसे 30 भी आप ले सकते हो और 50 भी ले सकते हो, ऑब्वियस सी बात है 50 ज्यादा पास है। तो यहां पर मैंने इसका, तो यानी क्या है कि 49 के सबसे करीब का जीरो वाला नंबर कौन सा है, वो है 50। अब देखिए, अब आप लोगों को ये बात याद रखना है कि 49 से 50 कितना बड़ा है। तो 49 से जो 50 है वो कितना बड़ा है, एक बड़ा है। अब इसी तरीके से तो जो ये नंबर आया है एक बड़ा है, उतना ही नंबर हम इसमें से माइनस कर देंगे। यानी मैं अगर देखा हूं, देखना चाहूं तो इस 49 में से मुझे अब इस नंबर जो एक आया है या इन दोनों के बीच का डिफरेंस आया है वो इस तरफ भी डिफरेंस ले लेना है। तो हमारे पास नंबर आएगा 48। चीज समझ में आई। देखिए 49 का स्क्वायर निकाल रहे हैं, जीरो वाला आपको एक नंबर चूज करना है, ठीक है। अब जीरो वाला नंबर हमने चूज किया तो वो हमारे पास आया 50। अब 49 50 से कितना बड़ा है, एक बड़ा है, तो उतना ही एक उससे डिफरेंस करके हमको एक छोटा नंबर ले लेना है, ठीक है। चलिए तो यहां से दोनों नंबर का डिफरेंस, यहां पर 49 से 50 के बीच का डिफरेंस भी एक है और उससे छोटे नंबर में भी डिफरेंस एक ही है। अब आप लोगों को क्या करना है, अगली बात में आप लोगों को क्या ध्यान देना है, इन दोनों का आप लोगों को क्या कर लेना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन देखिए, मैं आप लोगों को 5 से, अब सीधी सी बात है जीरो तो लास्ट में हम लगा देते हैं, अब इनका हमको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मैं आप लोगों को स्पीड मैथ के फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूं कि 5 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे। तो 5 से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बेसिकली हम जिस भी नंबर में मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं उसका हाफ कर देते हैं। तो यहां आ जाएगा 24 और एक जीरो लगा देते हैं, ये 5 से मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब लास्ट का ये जो नंबर बचा है ये इसका, आप चाहो तो सीधा भी इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लिकेशन करना कोई भारी बात नहीं होती है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी इस ये नंबर है उस नंबर का स्क्वायर करके उसको ऐड कर देना है। अब चूंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, तब यहाँ पर एग्जाम मतलब तब इसका आंसर कितना आएगा, तो 2401 ये होगा 49 का स्क्वायर। चलिए चीजें अच्छी तरीके से आप सभी लोगों को क्लियर हो रही होगी कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चंस को कर रहे हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसका सेकंड मेथड, या सेकंड एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं। तो सेकंड एग्जांपल ले लेता हूं 43। अब 43 का स्क्वायर अगर हमको फाइंड करना है तो आपको इसके आसपास का नंबर ले लेना है।
अब देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार हम बड़ा जीरो वाला नंबर, तो सीधी सी बात है 40 नंबर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर इस बार नीचे, क्योंकि छोटा नंबर, बस देखिए आप नंबर कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सा एक आदत बना लीजिए कि छोटा नंबर हम नीचे लिखेंगे और बड़ा नंबर ऊपर लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3, ठीक है, 40 और 43 के बीच का डिफरेंस है 3, तो यहाँ पर मुझे वही नंबर इसमें ऐड करके आगे तक, मतलब बड़ा नंबर, ताकि वो भी डिफरेंस टोटल इन दोनों के बीच में, इन दोनों नंबर के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, इन दोनों के नंबर के बीच में भी 3 का डिफरेंस है, हम ये करना चाहते हैं। अब फाइनली हम इन दोनों नंबर्स के बीच में देखेंगे तो 3 का डिफरेंस यहाँ पर भी दिख रहा है, 3 का डिफरेंस यहाँ भी दिख रहा है। अब आप दोनों को क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। चलिए तो करते हैं इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो 4 6 कितना होता है 24, 24 कैरी 2 आ जाएगा, ठीक है, कैरी 2 आप लोगों को। अब 4 4 16, 16 प्लस 2 कितना आ जाएगा 18, तो इसका मतलब और लास्ट में एक जीरो ये इसका जोड़ देना है। अब इसके बाद हमको क्या करेंगे, जो भी ये डिफरेंस आता है उस डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड करना है, मतलब 9। अब हम इसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास नंबर 1840। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो कि काफी आसानी से हम इसके स्क्वायर्स निकाल सकते हैं इस मेथड से। चलिए एक और क्वेश्चन में आप लोगों के लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। अब 46 का स्क्वायर, तो 46 के स्क्वायर के लिए चाहे तो आप 70 नंबर भी ले सकते हो, चाहे तो आप 80 नंबर भी ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों को जनरली सिर्फ ऐसी टर्म चुनना है जो जीरो के, मतलब जिसमें जीरो दिखता हो, क्योंकि जीरो लेने से मल्टीप्लीकेशन करना ईजी हो जाता है, बस यही इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलिए तो नंबर हमने लिया 46, तो 46 आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, सॉरी 76 नंबर लिया है। अब 76 तो चाहे हम यहाँ पर 80 नंबर ले लेते हैं। चलिए अब इन दोनों के बीच में 4 का डिफरेंस है, दिख ही रहा है। अब 4 का डिफरेंस यहाँ पर आगे भी हमको दिखना चाहिए, तो 4 इसमें से अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 72। अब फाइनली हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 8 2 16 के 6 हासिल, 1 आ जाएगा कैरी हमारे पास, 1 आ जाएगा, ठीक है, और 7 8 56, 56 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 57, और ये जो 0 इसका वाला। अब यहां पर इन दोनों नंबर्स के बीच में 4 का डिफरेंस था, ये आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा। अब 4 का डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा, तो 4 का स्क्वायर करना है, जितना भी डिफरेंस है उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16। अब इसको ऐड कर देंगे हमारे पास तो 6 7 7 5, तो ये आप लोग देख पा रहे हैं कि बड़े आसानी से हमने इसका स्क्वायर निकाल लिया। तो 76 का स्क्वायर इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो। चलिए आगे इसके कुछ और चीजें हम देखते हैं, ठीक है। अब एक और जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों के लिए लेते चलता हूं ताकि आप लोगों के काफी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो सके। आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, सॉरी किसी भी नंबर को आप अपनी इच्छा से स्क्वायर उसका कर सकते हो उस मेथड के जरिए, और साथ ही साथ में कैलकुलेटर से आप चेक भी करते जाइएगा, काफी अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 63 को देखते हैं, तो 63 किसके 60 के ज्यादा करीब दिख रहा है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 3 इसमें ऐड कर देंगे तो 66 आ जाएगा। अब फाइनली हमको क्या करना है, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना है। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 6 36 6 6 36, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 39। जो जीरो हमने छोड़ा था उसको ऐड कर लेते हैं। अब डिफरेंस इसके बीच में 3 का था, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3 9 6 9, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए हम बड़े फास्ट तरीके से, अब चीजें थोड़ी सी आप लोगों भी समझ में आ रही होगी, कवर हो पा रही होगी, हम बड़े आसानी से और बड़े फास्ट तरीके से इसको अब कैलकुलेट कर पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे 83 का स्क्वायर अगर मैंने लिया, तो 83 जो है आप 90 के पास में हमको नंबर दिख रहा है, ठीक है, आप 80 भी ले सकते थे, आप चाहे तो बड़ा नंबर ले सकते हैं चाहे तो छोटा नंबर। चलिए बड़ा नंबर लेके करके देखते हैं, तो जैसे 90 मैंने लिया। अब यहाँ पर क्या है कि इन दोनों के बीच में 7 का डिफरेंस है। अब 7 का डिफरेंस है तो इस 83 में से मैं 7 को माइनस कर देता हूं तो नंबर मेरे को मिलेगा 76। आपको क्या कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर देना है। चलिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 6 54, 4 9 7 63, और 4 68, 0 यहाँ पर। अब दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था, 7 का डिफरेंस हम देख रहे थे, तो 7 का स्क्वायर आपको करके यानी 49 इसमें ऐड कर देना। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपके पास नंबर देखने को मिलेगा 6889। तो ये आप लोग बड़े आसानी से इस तरीके से इस चीजों को कर सकते हैं।
अब देखिए, अब काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे, सर यहाँ पर भी तो 2 डिजिट का ही आप मल्टीप्लिकेशन बता रहे हो, 3 डिजिट। देखिए इसमें क्या है कि इस मेथड के जरिए भी आप बहुत आसानी से 2 डिजिट नंबर के 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर तो फाइंड कर ही सकते हो, साथ ही साथ में 100 के आसपास की भी आप लोग स्क्वायर निकाल सकते हो। अब देखिए आसपास का क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक छोटे से इस मेथड का थोड़ा टफ पार्ट भी लेकर आऊंगा कि कहाँ पर हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी। चलिए देखते हैं। अब जैसे मैं एक नंबर ले लेता हूँ आप सभी लोगों के सामने, एक छोटा सा और मैं नंबर लेता हूँ, ठीक है, इसी सेकेंड मेथड के लिए। जैसे मुझे अगर निकालना हो 104 का स्क्वायर, अब देखिए इसको निकालने के लिए बहुत अलग अलग तरीके के मेथड्स भी हैं, आप उनको भी सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे आप कम से कम मेथड, मतलब जो भी मेथड आप सीखते हैं उस मेथड को पॉलिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि 104, अब यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं तो ये 100 के पास में है, और यहीं पर कितना जाएगा 108, इसमें हम ऐड कर देंगे। ओके, अब यहां पर हम देखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन 10800, क्योंकि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर देना है हम लोगों को। अब कितना एक्स्ट्रा लिया था हमने, तो 4 एक्स्ट्रा लिया था, आप इसको ऐड कर दोगे। तो आप जैसे इसको ऐड करोगे तो आपको नंबर देखने को मिलेगा 10816। अब देखिए चीजें थोड़ी समझिए, इस चीज को मैं थोड़ा सा डायरेक्टली भी आप लोगों को बता सकता था, डायरेक्टली आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए 104 का स्क्वायर हम और भी इस मेथड से और भी फास्ट तरीके से निकाल सकते हैं 100 के आसपास की। किस तरीके से, तो अगर मैं इस 104 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो बस मुझे ये सोचना है कि ये कितना 100 से कितना ज्यादा है। तो 100 से 4 ज्यादा है तो बस वही 4 नंबर हम इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी कितना हो जाएगा 108, और फिर जो एक्स्ट्रा 4 नंबर था उसको मुझे इसमें क्या कर देना है, उसका स्क्वायर करके इसमें इसके साथ में लिख देना है। तो देखिए और भी इस तरीके से भी, मतलब और भी तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, वही चीज है, थोड़ा सा बस क्या है तरीके, थोड़े से क्या है कि जब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे तो उन्हीं चीजों को और भी फास्ट करने के तरीके आप लोगों को दिखते जाएंगे, समझ में आते जाएंगी चीजें। चलिए जैसे एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि 109 का अगर स्क्वायर निकालना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 109 तो ये 100 के आसपास ही है, यहाँ पर ये कितना 9 ज्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 9 ऐड कर देंगे तो 118। इन दोनों का आपको मल्टीप्लिकेशन करना है तो कितना मिलेगा आपको 118 और 00। अब फिर 9 का स्क्वायर, क्योंकि ये 9 ज्यादा था तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 81। बस आप लोगों को इनको एक साथ में ऐड कर देना है तो कितना आ जाएगा 11881, इसका आप लोगों को स्क्वायर देखने को मिलेगा। चलिए इस तरीके से थोड़ा सा यहां से हम इस मेथड से भी इसको कर सकते थे। देखिए 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है तो 9 ही इस नंबर में ऐड कर दो, तो 9 जब इस नंबर में ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 118। अब कितना एक्स्ट्रा आया, 9 ज्यादा आया, उसको स्क्वायर करके साइड में लिख देना है। तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो 9 का स्क्वायर होगा 9 का स्क्वायर होगा 80। तो देखिए सीधे सीधे बहुत आसानी से हम इसको बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हैं, तरीके हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर बड़ा नंबर ले लेता हूं तो बड़े नंबर से थोड़ा सा वो चीज, जैसे 132 का स्क्वायर। अब 132 का स्क्वायर तो इसके आसपास का नंबर हम लोगों को लेना है, चलिए लेते हैं इसके आसपास का, तो क्या होगा इसके आसपास का, तो 132, अब मैं इसमें से ले लेता हूँ 130, थोड़ा पास में दिख रहा है जीरो वाला नंबर। अब इससे मैं दो एक्स्ट्रा, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस था तो वही 2 नंबर इसमें ऐड कर देता हूं तो कितना आ जाएगा 134। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देना है। बस चीजें क्या है कि ये मेथड हर किसी नंबर के लिए एप्लीकेबल होगी, लेकिन आप लोगों को अब दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम बड़े नंबर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अपने आप में टफ पड़ता जाएगा। चलिए मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं किस तरीके से। तो आप चाहे तो 13 का मल्टीप्लिकेशन सीधे इसमें कर सकते हैं, या फिर मैंने मैंने इसका मल्टीप्लिकेशन करने की इसकी भी ट्रिक बताई है आप लोगों के लिए। चलिए तो सबसे पहले करते हैं किस तरीके से इस नंबर को हम कैलकुलेट करेंगे, तो 13 का मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा 13 चौक 52, कैरी आ जाएगा हमारे पास 5, 13 39 39 और 5 आ जाएगा हमारे पास 44, 4 कैरी आ जाएगा 4, 13 एकम 13 और 4 17।
और यहाँ पर जो इसका जीरो था वो जीरो। अब इनके बीच में कितने का है, तो ये चार चार का सॉरी दो का डिफरेंस चल रहा है। अब दो का डिफरेंस चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको दो का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा आपके पास 17424। तो ये आप लोगों को इसका भी स्क्वायर देखने को मिला। अब देखिए बड़े आसानी से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, ये मेथड कहीं पर भी काम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास कब होगी, जैसे प्रॉब्लम हमारे पास जैसे कब हो जाएगी, जैसे मुझे 724 का स्क्वायर निकालना है। अब 724 का स्क्वायर जब अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो आप इसको किसके पास आसपास लिखोगे, तो आप इसको 720 और 728 के आसपास लिखोगे। अब फिर से वही प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए वही इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन करना होगा, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन में हम काफी समय गवा देंगे। अब बस यहीं पर क्या हो जाएगा कि ये मेथड जब बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता है, मतलब ये मेथड दो डिजिट के लिए और 100 के आसपास के नंबर के लिए काफी अच्छी है, लेकिन जैसे ही बड़े नंबर की तरफ जाते हैं मेथड, ऐसा नहीं है कि मेथड काम नहीं करेगी, मेथड तो काम करेगी, लेकिन थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन टफ होगा, थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूम करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम एक और मेथड की तरफ बढ़ते हैं कि फिर किस तरीके से तीन डिजिट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक और मेथड की तरफ मैं आप लोगों को बताता हूं, ये थर्ड मेथड जो है ये भी जनरली टू डिजिट के लिए है। कैसे, थोड़ा सा आप इसको बस समझ सकते हैं कि सिर्फ दो डिजिट के लिए ही आप इस मेथड को यूज कीजिएगा। देखिए ये अपनी अपनी इच्छा से आप इसको यूज कर सकते हो, बाकी मेरे हिसाब से अभी तक मैंने आप लोगों को जो जो फर्स्ट और सेकेंड मेथड बताई है वो ही सबसे बेस्ट है। चलिए ये भी एक तरीका है, आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे मुझे निकालना है 43 का स्क्वायर, तो ये मेथड कहाँ काम करती है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है। जैसे हमारे पास हमें जो फॉर्मूला याद था ए स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर, इस मेथड के बेसिस पे ये काम करेगी। अब ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर मुझे निकालना है, ठीक है 43 का स्क्वायर, तो अब मैं क्या करूंगा, एक नंबर को a मान लेता हूं और दूसरे नंबर को b मान लेता हूं। ए और बी इस तरीके से मान लेना हो, इसी बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हमको इसको लिख देना है। चलिए लिखते हैं, तो ए यानी 4 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16। फिर आप लोगों को बी का स्क्वायर करोगे यानी 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो 9 को हम 09 दो दो डिजिट के रूप में लिखेंगे। अब बीच में इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके 2 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि 2ab हमको करना है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24। अब आप लोगों को ध्यान से देखिए इसका एडिशन की टेक्निक ध्यान में रखना होगी कि हमने ये पीछे से नंबर जो लिया है सिर्फ एक नंबर लेना है और ये जो आगे वाला नंबर है वो अगले नंबर में कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ठीक है, तो ये 0 4 के पास जाएगा, तो यहाँ पर फिर से अब ये कितना हो जाएगा टोटल नंबर 24 ही होगा, तो 24 का हम लोगों को क्या ले लेना है 4, फिर ये जो 2 नंबर होगा ये आगे जाके फिर कैरी फॉरवर्ड होगा। अब यहाँ पर ये 2 नंबर जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पर कैसा कितना हो जाएगा, तो 16 और 2 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 18। तो इस तरीके से भी आप लोगों के लिए एक और ये एक मेथड है, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं थोड़ा सा और समझने के लिए समझ बढ़ाने के लिए एक मेथड एक और एग्जांपल इसका करते हैं, तो 68 के स्क्वायर को करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ए मान लेते हैं, इस नंबर को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 और 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो इस दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 7 8 56 56 का डबल यानी 56 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो हमारे पास आएगा 112 यानी 112। अब क्या करते जाना है, वही कैरी फॉरवर्ड वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। हमने लिया 4 तो यहाँ पर 6 इसके पास कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8। अब ये जो नंबर बचा है ये पूरा का पूरा नंबर ही आगे कैरी फॉरवर्ड होगा यानी 11 पूरा कैरी फॉरवर्ड होगा। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको 11, अब देखिए 11 में आप इसको ऐसा नहीं, थोड़ा सा इसको एडिशन करने का तरीका समझिएगा, ये जो नंबर है वो सिर्फ इस नंबर के पास कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, ये बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ 9 के पास कैरी फॉरवर्ड हुआ है, यानी जो जो मतलब कैरी आया है वो सिर्फ 9 की अकेली की। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर दीजिएगा कि 49 और 11 को आप ऐड कर दो। ठीक है, तो 9 और 11 को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा, 20 का 0 कैरी यहां पर फिर से आएगा 2। ओके, तब यहां पर कितना हो जाएगा 6। तो ये आप लोगों को एक विशेष बात यहां पर ध्यान रखनी है। ओके, तो
इस तरीके से हम थर्ड मेथड के जरिए भी क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये दो डिजिट के लिए बहुत अच्छी मेथड है, आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जो एक फोर्थ मेथड में बताने जा रहा हूं वो रामबाण मेथड है। रामबाण मेथड का मतलब क्या है, ये हर किसी तरीके के कितने भी बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर आ जाए आप आसानी से इसका निकाल सकते हो। बस कुछ चीजें आप लोगों को ऐसे लगेगी कि सर ये थोड़ी सी लंबी मेथड है, बाकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो लंबी छोटी बड़ी जैसी कोई मेथड नहीं होती, सारी मेथडें काम करती हैं। चलिए, तो जैसे इस मेथड के जरिए आप टू डिजिट तो का निकाल ही सकते हो, साथ ही साथ में बड़े से बड़े नंबर का भी स्क्वायर निकाल सकते हो। जैसे मुझे निकालना है 327 का स्क्वायर। चलिए, तो देखिए इसको एक्चुअली डायगोनल मेथड भी कहा जाता है, बता ही चुका हूं मैं आप लोगों को। जैसे मेरे पास नंबर है 327 और ये 327 कुछ इस तरीके से लिख लेंगे और यहां पर बनाएंगे हम इसके मैट्रिक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स बना लेते हैं। चलिए, अब ध्यान से देखते जाइएगा, ध्यान से चीजों को समझते जाइएगा, फिर इन मैट्रिक्स में हमको इनके बनाने हैं डायगोनल कुछ इस तरीके से। ये डायगोनल हम इसके यहां से यहां तक बना लेंगे। अब देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 7 7 49। अब 49 आ जाएगा तो इसको लिखेंगे कैसे, तो 4 को यहां पर और 9 को इस तरीके से। फिर 7 2 14 आ जाएगा तो यहां पर हम इसे 1 और 4 लिखेंगे। अब 7 3 21 तो 21 का 2 और यहां पर 1। फिर 7 2 14 आ जाएगा तो 14 का 1 और यहां पर कितना आ जाएगा 1 4। फिर 2 2 4 आता है। अब जब 4 आ गया तो अब क्या करेंगे भैया, तब यहां पर हम इसे लिखेंगे 0 और 4। अब 3 2 6 यानी 0 और 6। 7 3 कितना होगा 21, तो यहां पर 1। अब यहां पर कितना हो जाएगा 3 2 6, तो यहां पर इसको लिखेंगे 0 6। 3 3 9 यानी 0 9। चलिए, अब फाइनली हमको क्या करना है, तो हमको इनको डायगोनली वाइज क्या करना है, ऐड करना है, डायगोनल के बेसिस पे इसको ऐड करना है। मतलब किस तरीके से, ये डायगोनल के जैसे यहां से ये पूरे डायगोनल को ऐड करेंगे, यहां से इन पूरे इनको ऐड करेंगे, ये पूरे को। चलिए यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारे पास 9 नंबर मिलता है, फिर इनको ऐड करेंगे तो 4 4 8 4 12 2। अब यहां पर कैरी आप लोगों के पास वन आया तो वो अगले डायगोनल के पास कैरी फॉरवर्ड होगा, तो यहां पर फॉरवर्ड होगा। अब यहां पर हम लोगों को कितना नंबर देखने को मिलेगा, तो यहां पर ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 8 8, और ये एक कैरी जो था वो हो गया 9। फिर आगे नंबर को हम ऐड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 6 और 2 8, 6 और 2 8 और 8 16, 16 का 6 और कैरी फॉरवर्ड हमारे पास 1 आएगा। अब जैसे ही 1 आएगा तो यहां पर इसके पास जाएगा तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 0, और कैरी इसके पास जाएगा तो 1। तो बस इस तरीके से इसको ऐड करना है, और इस मेथड से आप कितने भी बड़े से बड़ा नंबर हो उसका मल्टीप्लिकेशन आप इससे मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी ये मेथड है, और साथ ही साथ में कितने भी बड़े से बड़ा नंबर हो आप इसका स्क्वायर भी इससे निकाल सकते हैं। चलिए एक और मैं बड़ा नंबर आप लोगों के लिए लेता हूं ताकि सारी चीजें आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे 7 7 9 का स्क्वायर, तो हम इसे लिख लेते हैं 7 7 9 और 7 7 9। चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं, किस तरीके से हम इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले बनाते हैं हम इसके मैट्रिक्स। अब इसके मैट्रिक्स अगर हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आप सभी को काफी अच्छी तरीके से चीजें क्लियर भी हो, साफ सुथरा दिखाई दे। चलिए 9 9 कितना हो जाएगा, तो 9 में 9 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 9 81 यहाँ पर आ जाएगा 81। फिर 9 7 63 तो 6 और 3। फिर आ जाएगा 9 7 63 और फिर 7 9 63। फिर 7 7 कितना होगा 49, 7 7 49, ओके। फिर 7 9 63, 7 7 49 और 7 7 49। बस इसको डायगोनली वाइज अब आप लोगों को क्या कर लेना है, डायगोनली इन चीजों को अब आप लोगों को ऐड कर लेना है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा 1 और इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 6 14, 4 कैरी फॉरवर्ड हमारे पास 1 होगा जो कि अगले डायगोनल के पास जाएगा। अब यहां पर इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 27, ओके, क्योंकि यहां पर ये 9 9
9 9 18 और 9 27, 27 प्लस 1 28, 28 का एट कैरी आप लोगों के पास अगले नंबर के पास जाएगा, वो किसके पास, इसके पास जाएगा 2। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 15 30 34 34 और 2 हमारे पास आ जाएगा 36, तो 6 कैरी हमारे पास कितना बचेगा 3। अब यहां पर इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17, 17 और 3 20 की 0, कैरी हुआ हमारे पास 2। अब इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमने इस सारे नंबर को ऐड करा। चलिए, तो काफी अच्छी तरीके से सारी मेथड आप लोगों को काफी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए, इन सारी चीजों को हम आज समझ गए हैं, ये मेथड आप लोगों को काफी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे एग्जाम कौशल चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ में वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कीजिए। साथ ही साथ में अगर कोई भी चीज, कोई भी किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट भी कीजिए। साथ ही साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।